हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शशिर की पाठशाला में, और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चंडीगढ़, जैसा कि बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे लोग, जो एंटिटी की लिस्ट थी, कि एक फॉर्मेलिटी इसको कह सकते हैं कि जो कि एंटिटी की लिस्ट आज आई हुई है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। और सब ने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन एक होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन देना, जो चीज़ें हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उसको शेयर करता हूँ। मोस्टली लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता है, तो मुझे तो सबको देखना है। तो ये सारी चीज़ें थी, तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या है नोटिफिकेशन में, जो चंडीगढ़ एंटिटी की जो एक लिस्ट जारी की गई है, आज ही जारी की गई है लिस्ट, और थी उम्मीद कि आएगी लिस्ट और आ भी गई फाइनली। वैसे तो नोटिफिकेशन में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि जो आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये फाइनल नोटिस है। किसके लिए फाइनल नोटिस जारी की गई है, किसके लिए जारी की गई है? ये जारी की गई है आपकी 66 ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास क्या ये फुलफिल ही नहीं करते क्वालिफिकेशन। ठीक है, कितने 66 कैंडिडेट्स ऐसे हैं, उनके लिए ये फाइनल नोटिस जारी की गई कि भैया तुम लोगों के पास क्या क्या नहीं है, तुम्हारे पास जो प्रॉपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अभी फुलफिल नहीं करते हो, तो क्या करो, तुमको भी आना है। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। और वही बात की गई है, फाइनल लिस्ट उनके लिए है जी, 184 स्टूडेंट, कितने 184 स्टूडेंट्स आर देयर, कि भैया जो एब्सेंट थे, एब्सेंट क्यों हो, क्योंकि उनके पास है ही नहीं एनसीटी जो रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो है ही नहीं। वो जाएं भी किस पर्पज से जाएं, चंडीगढ़ घूमने जाएं वो वहाँ डिपार्टमेंट, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट का देख रहे हैं आप लोग कि कितनी बार बुलाता है डिपार्टमेंट, इतना फ्लेक्सिबल डिपार्टमेंट, मतलब मैंने पहली बार देखा कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कि डिपार्टमेंट की कैंडिडेट्स को बोले कि तुमने एग्ज़ाम दिया है तो तुम आओ, तुमने मेहनत की है तो तुम आओ, तुम्हारा ये हक है, तुम आओ, पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, आओ। तो ये थर्ड राउंड की लिस्ट थी, जिसमें क्या हुआ था कि 66 कैंडिडेट्स ऐसे थे कि दे डू नॉट फुलफिल द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और उनको बोला कि आपको आना है। वहीं टोटल 184 स्टूडेंट्स आर एबसेंट, तो जो 184 स्टूडेंट्स एबसेंट थे, तो इनको बोला गया है कि भैया 23/10/2024 कब, 23/10/2024 को तुम आ जाना भंडारे में एक बार फिर, जो भी बचा बचा है वो भी खा के चले जाना। तो 23/10/2024 को 9:30 बजे जाना है। एड्रेस वही है जो भंडारा, जहां आप हर बार जाते हैं वही भंडारा है। और वही बात करें, 5 स्टूडेंट इसमें ऐसे हैं, ठीक है, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट ही नहीं किया है। ठीक है, दे डू नॉट हैव सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स, तो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट नहीं किए हैं। और इसमें 2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका जिनका प्रोसेस जो है वो अंडर कंसिडरेशन है। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड राउंड के 2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिनका जो रिमार्क लिस्ट है वो अंडर कंसिडरेशन है। अंडर कंसिडरेशन क्यों है, क्योंकि इनका कुछ ऐसा इशू है, ऐसा मामला है जो कि डिपार्टमेंट चाहता है कि अपने तरफ से SCERT और NCERT, जो पंजाब यूनिवर्सिटी मतलब जो भी है वहाँ से, वो चाहता है कि वहाँ से वो डिपार्टमेंट अपने एंड से डिसाइड करेगा कि इनका क्या करना है, ये NCT है रिकॉग्नाइज या नहीं है। ठीक है, तो वो डिपार्टमेंट, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक नोटिस जारी करनी होती, मेल जारी करनी होती, मेल जाएगा, वहाँ से रिप्लाई आ जाता है और एक कन्फर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी आपको, कि थर्ड राउंड लिस्ट की, जो जिसमें कितने 184 ऐसे थे जो एब्सेंट थे, वहीं 66 कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फुलफिल नहीं करते हैं, और इनको बोला कि भैया आप लोग 23 तारीख को आ जाओ। ठीक है, जो 5 कैंडिडेट्स हैं जो जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं सबमिट किए, उनको भी जाना है 23 तारीख को, और सेकंड जो 2 कैंडिडेट्स हैं उनका अंडर कंसिडरेशन है, जो कि फर्स्ट और सेकंड राउंड के थे। तो यही नोटिफिकेशन में लिखा है, बाकी मुझे नहीं लगता कोई जाएगा, क्योंकि न के बराबर चीज़ें हैं। अब कोई कैंडिडेट्स, मुझे तो नहीं लगता, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई जाएगा, तो अब इसमें जो अब जो आपका नोटिस है इसमें कोई अमेंडमेंट्स, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिपार्टमेंट भी जान गया है कि भाई अब कोई नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी होती है, एक रूल्स रेगुलेशन होता है, एक प्रोसेस होता है, उससे गुजरना पड़ता है सारी चीज़ों को। तो यही इन्होंने किया, जारी किया है। देखिएगा, आपको 1 से 2 तक इसका फाइनल चीज़ देखने को मिल जाएगी, मतलब 1-2-4 दिन में जो भी हो इसकी फाइनल लिस्ट देखने को मिल जाएगी, और फिर एक TGT की लिस्ट आएगी, फिर उसके बाद JBT का रिजल्ट आएगा। ठीक, तो ये अभी तक जो चल रहा है वो प्रॉपर प्लान वे में सारी चीज़ें अभी तक सही चल रही हैं, जब तक कि कोई बीच में ऑब्जेक्शन ना आए। बाकी आई होप सो कि इस दिवाली आपके घर खुशियां विथ नौकरी। भाई कहते हैं कि अगर सरकारी नौकरी मतलब इस समय
भगवान से आपके साक्षात दर्शन हो जाना। क्योंकि जो सोसाइटी ने ऐसा कॉन्सेप्ट बना दिया है कि भैया प्राइवेट और सरकारी, प्राइवेट वर्सेस सरकारी, तो गवर्नमेंट जो जॉब होती है मतलब एक इतनी मान्यता दी जाती है, इसकी एक सामाजिक मान्यता होती है, ठीक है, सोशल स्टेटस होता है। लोग कहते हैं कि समाज में अगर अब तुम सरकारी हो तो तुम भाई हो मेरे लिए, तुम्हारी वैल्यू कुछ अलग होगी, तुम्हारी रिस्पेक्ट कुछ ऐसी अलग होगी। लेकिन अगर आप एक पढ़े लिखे हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो आप जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट और सरकारी ऐसा कुछ नहीं होता, एंड में सबको पैसा ही कमाना होता है और काम उतना ही होता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। तो ये सारी चीज़ें तो बात की हैं, तो बाकी ऑल द बेस्ट, मुस्कुराते रहिए और ऐसे हंसते रहिए, थोड़ा सा परेशान कम रहिए, जल्दी आपकी चीज़ें आपके सामने होंगी, यही उम्मीद है इस दीपावली तक, देखते हैं। और बाकी अभी तक जो टारगेट है वो टारगेट नवंबर है, और नवंबर में आशा करता हूँ कि आपको ज्वाइनिंग मिल ही जाएगी। बाकी जय हिंद, जय भारत।